36 घंटे तक निर्जल रहना, पानी के बीचों बीच कई घंटों तक खड़े रहना, साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और सप्तमी पर उगते सूर्य को अर्घ्य देना अपने आप में एक कठिन व्रत कहलाता है। जी हम बात करें हम महापर्व लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय के रूप में मनाए जाने वाले छठ के रूप में, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक के जीएलएन नहर से डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिवसीय महापर्व छठ, जिसकी शुरुआत 17 नवंबर से नहाय खाय से शुरू हो चुकी है, कल खरना था और आज जो है संध्या शुरू हो चुकी है, और संध्या अर्ध का जो दिन है आज हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर अपनी आस्था के साथ यहाँ पहुँची हैं। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक की जीएलएन नहर से दिखा देते हैं। दिवसीय रूप में मनाए जाने वाला लोक आस्था का महापर्व, जिसके बारे में जो आज के समय में हर एक इंसान जानता है। आपको बता दें पहले जो ये त्योहार जो पर्व है सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आज आपको बता दें कि यह पर्व पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो घाट है बड़ा ही सुंदर सजा रखा है, बड़ी सुंदर तस्वीरें, जो भव्य नजारा है आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग अभी हमारे जुड़ पा रहे हैं अवश्य इस वीडियो को देखते हुए लाइक अवश्य करते चले, साथ ही छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, छठी मैया का जयकारा लगाते हुए अवश्य शेयर करते चले। अभी किसी की तस्वीरें हम आपको रोहतक की जीरन नहर से दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहां पहुंची हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सज धज कर महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं, सूर्य जो डूबना जो शुरू हो चुका है और सूर्य को अर्घ्य, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं पानी के बीच में उतर चुकी हैं। बड़ा ही कठिन जो व्रत है आप देख सकते हैं, जो माना जाता है कि ठंडे पानी में बीचों बीच खड़े रहना और सूर्य को अर्घ्य देना, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना। जैसे कि आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं सज धज के वो पानी में उतर चुकी हैं। आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य खबर को शेयर को लाइक अवश्य करते चले, शेयर करते चले। आपको बता दें 36 घंटे तक आए हैं अपने व्रत को संपूर्ण करती हैं। आपने व्रत रखा हुआ, अभी महिलाएं जो हैं सज धज कर यहाँ पर पहुंची हैं। जो खास बात है इस व्रत की, आपको बता दें कि पहले जो है स्टार्टिंग में जब इस व्रत की परंपरा स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ महिलाएं जो है इस व्रत को रखा करती थी, लेकिन आज के समय में ज्यादातर देखा जा रहा है कि पुरुष भी इस व्रत को रखने लगे हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए। पति पत्नी जो है माता पिता इस व्रत को रखते हैं। 4 दिवसीय यह जो त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला पर्व महापर्व छठ के रूप में घाटों पर जो है पूरी तैयारी कर दी जाती है। अभी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं जो पुरुष हैं, महिलाएं भी पुरुष भी यहां पर पहुंचे हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए जो व्रत है महिलाएं रखती हैं। 4 दिवसीय के रूप में मनाए जाने वाला छठ जो पर्व है, जिसकी तैयारी जो जिसकी शुरुआत जो है 17 नवंबर से हो गई थी। आपको बता दें पहले जो नहाय खाय से इसकी शुरुआत हुई थी, कल जो है खरना था और आज जो है संध्या अर्ध के नाम से आज का दिन जाना जाता है। जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो जो व्रत रखते हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और कल आपको बता दें कि सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए महिलाएं जो है अपने व्रत का समापन करेंगी, जिसका सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरों में डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी मैं देख पा रहे हैं उनको डिजिटल भूमि टीम की तरफ से छठी मैया की उन पर कृपा बनी रहे, साथ ही खबर को लाइक अवश्य करते चले, छठी मैया का जयकारा लगाते हुए शेयर करते चले खबर को।
आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो भीड़ है, महिलाएं हैं सज धज कर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि काफी जो लोग हैं, लोगों ने अपनी पूजा समाप्त करके यहाँ से जो है जाना शुरू कर दिया है। कल सुबह सुबह जो है जैसे ही सूर्य उदय होने का समय होगा 3:30-4 बजे के समय में, 4:30-4 बजे का समय है, जो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपनी अपने पूजा अर्चना समाप्त करने के लिए। 4 दिवसीय त्योहार की तरह मनाए जाने वाला छठ पर्व जो है पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में जो घाट है बड़े ही सुंदर सजाए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं रोहतक की जेएलएन नहर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। 4 दिवसीय रूप में यह जो पर्व है मनाया जाता है। हम कोशिश करते हैं अभी कुछ महिलाओं से बात करने की कि इस व्रत के बारे में, छठी मैया की जो पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उसके बारे में आप लोगों को बता सके। सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक की जेएल नहर से दिखा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अभी महिलाओं से बात करने की। महिलाएं जो हैं सज धज कर यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। आपने व्रत रखा? हम नहीं रख सकते। पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। पहले आप पूजा कहाँ पर करते? मैंने कभी किया नहीं है छठ व्रत, पहली बार आई हूँ यहाँ पे, और छठी मैया का उपकार रहेगा तो मैं अगले साल रखूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ और महिलाओं से हम बात करते हैं कि आपको छठी मैया के बारे में कुछ बता सके। अभी देख सकते हैं घाट पे जो महिलाएं हैं सज सज कर पानी में उतर चुकी हैं। पानी का जो भाव देख सकते हैं, पूरा काफी जो है ऊपर तक दिख रहा है। महिलाएं परवाह ना करते हुए पानी के बीचों बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में उतर चुकी हैं। आपको बता दें, बच्चों की लंबी उम्र स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं जो है यह व्रत रखती हैं। 4 दिवसीय के रूप में मनाए जाने वाला महापर्व छठ, जिसका आज 3रा दिन है, हम आपको सीधी तस्वीरें रोहतक की। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? रीता। छोटी सी पार्टी देंगे, प्लीज उठ जाइए। अभी एक महिला हमारे साथ जुटे हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? रीता। आपने व्रत रखा है? जी। कहाँ से हैं आप? रोहतक से। अच्छा, हर साल आते हो यहाँ पर या अभी पहली बार? नहीं नहीं, हर साल आते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी सूरत के बारे में, कुछ थोड़ी सी डिटेल देंगे हमारे दर्शकों। ऐसे श्रद्धा होती है, जिसके मन में जो श्रद्धा वो करे पूर्ण होती है, बस इसी ले करते हैं। तो आज 3रा दिन है जी, तो आज किस तरह से मनाया जाता है? नहीं, आज 2रा दिन है ना, सुबह खत्म होगी। अच्छा, हाँ। कल सुबह फिर आप यहाँ? फिर आएंगे सुबह जी। तो इन्होंने, ये रोहतक से हैं, इन्होंने भी बताया कि हर साल यह व्रत रखते हैं। तो अभी और कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो अच्छे से हमें इस बारे में सारा बता सके। आप देख सकते हैं जैसे जैसे संध्या का समय हो रहा है, सूर्य डूबता जा रहा है और भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी की सीधी तस्वीर हम आपको रोहतक के जेएल नहर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चे अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की तरह से यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इंतजाम कर रखा है, जो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। अभी देख सकते हैं महिलाएं जो हैं पानी में उतर चुकी हैं। अभी कोशिश करते हैं कुछ और महिलाओं से हम बात करते हैं। लोक आस्था का महापर्व महाछठ के रूप में मनाया जाता है, 4 दिवसीय के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन जो इसकी शुरुआत हुई थी 17 नवंबर से हुई थी, दूसरे दिन 18 तारीख को खरना जो अभी दो कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रोहिणी देवी। मैं रो
मस्तक से उसे खड़े से बात है तुम्हारे। हाँ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सूरज के जैसे शाम को ढलने से जैसे छठ का पूजा रख दिया जाता है या सुबह उगने से पहले। अच्छा मतलब आज अभी जो है पूजा कर चुकी है। हाँ मैं कर ली और कल सुबह फिर आएंगी। हाँ फिर कल ही सुबह आ जाऊंगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से हैं जी। अच्छा बिहार से। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारा 6 साल हो गए। आपने व्रत रखा है? नहीं जी व्रत नहीं रखा। कुछ हमारे दर्शकों को व्रत के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी वो तो खुशी का है, सब बच्चे सब कोई का ये त्योहार को खुशी से मनाना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए, बस यही करना चाहते हैं। से हर साल यहाँ पर आती हैं पूजा करने के लिए? नहीं नहीं हम लोग यहीं रहते हैं, यहाँ हम लोग अपना मतलब अच्छा, काम धंधा अपना यहीं है, यहीं करते हैं। आपके परिवार से और भी कोई साथ आया? सब परिवार का साथ। क्या नाम है आपका? रीना। आपने व्रत रखा है? आप भी व्रत रखा। अच्छा कुछ व्रत के बारे में बताना चाहेंगे हमारे? यही हम लोग का महान व्रत पूजा होती है छठ पूजा। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा जो महिलाएं हैं बिहार से हैं, कुछ रोहतक से हैं, कुछ बाहर से हैं, यहाँ पर पहुंची हैं सज धज कर अपने बच्चों के और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखकर यहाँ पर अपनी पूजा आराधना करने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें सूर्य देव की और छठी मैया की पूजा जो है इस व्रत में की जाती है 4 दिवसीय। आप सब राजदूत इस बार के संस्कृति के सभी हाथ उठाकर आते हैं, कोई देखे ना देखे। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं लाइक अवश्य करते चले, छठी मैया का जयकारा लगाते हुए सूर्य देव को सूर्य देव की उपासना करते हुए अवश्य खबर को लाइक और शेयर करते चले। जी मैम क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा अभी यहीं पर रहते हैं या बिहार से ही? अभी मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा तो आपने व्रत रखा है? नहीं मैं नहीं, वो बच्चे के लिए रखते हैं। अच्छा अच्छा मम्मी ने रखा है। तो आपको कुछ पता है इस बारे में व्रत के बारे में? हाँ वो बच्चे के लिए रखते हैं। धन्यवाद। लक्ष्मी कुमारी। कहाँ से हैं आप? गाँव से हैं। बिहार से हैं? बिहार से। अच्छा आप यहीं रहते हैं या बिहार से यहाँ पूजा करने के लिए आई है? नहीं यहीं रहते हैं। तो इस व्रत के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बता दें हम तो 16 साल हो गया इस व्रत को करते, छठी मैया को महान बड़ी अपरंपार महान है ये तो, बहुत अच्छा पर्व करने से बहुत अच्छा फील होता है। हम तो यहाँ 10 साल से कर ले गांव में, हमें 5 साल 6 साल किए थे, अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ करके। तो कितने दिन के लिए मनाया जाता है इस? ये तो अपनी मर्जी है, जब तक अगर छठी मैया बनाए रखे तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वो नहीं मिलता है कि कमजोरी फील हो चाहे कोई चीज हो, बहुत अच्छी होती है। ये तो 36 घंटे की व्रत होती है, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल अनजल कुछ भी नहीं खाना होता है। हमें 16 साल हो गए। हाँ जी 16 साल हो गया जी। तो आप लोगों ने देखा महिलाएं जो है सज धज कर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, 36 घंटे का निर्जल व्रत रख के। कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है छठ, लेकिन दिवाली जिस तरह से दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, उसी तरीके से शायद दिवाली से भी जो है बड़ा जो त्यौहार है ये है पर्व है, इसे मनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं दिवाली के छठे दिन षष्ठी को दिवाली के छठे दिन जो है इस व्रत की शुरुआत की जाती है। आपको बता दें दीपावली के छठे दिन षष्ठी पर जो है इस पर्व की शुरुआत होती है और सप्तमी पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए इस व्रत की समाप्ति की जाती है। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं अवश्य लाइक शेयर करते चले, छठी मैया की का जयकारा लगाते हुए सूर्य देव की उपासना करते हुए अवश्य खबर को शेयर करते चले। अभी की सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक के जेएल नहर से दिखा रहे हैं। Thank you.
आप देख सकते हैं जैसे जैसे सूर्य जो है डूब रहा है, महिलाएं जो है अपनी अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पानी में उतर चुकी हैं। कमर तक जो है वो पानी के बीचों बीच खड़ी हुई हैं और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपनी पूजा अर्चना समाप्त कर रही हैं। ऐसे नहीं काम होगा, थोड़ा थोड़ा। अभी की सीधे तस्वीरें हम आपको रोहतक के जीएल नहर से दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे लाइक अवश्य करते चले, खबर को शेयर करते चले। छठी मैया की, छठी मैया का जयकारा लगाते हुए सूर्य देव की उपासना करते हुए खबर को शेयर करते चले। सकते हैं जो प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी जो है पूरी रखी गई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ बच्चों के साथ पहुंचे हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। पूरा इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। चार पांच दिन पहले जो है यहाँ पर जो तैयारियां हैं शुरू कर दी जाती है, घाट जो है सजाया जाता है। अभी जो है आप देख सकते हैं लोगों ने जो यहाँ सर जाना भी स्टार्ट कर दिया अपनी अपनी पूजा, क्योंकि सूर्य जो है अस्त हो चुका है। माननीय हमारे प्रधान जी से और हमारे चार दिवसीय रूप में मनाए जाने वाला महापर्व छठ, जिसकी शुरुआत 17 तारीख से हो गई थी। आपको बता दें कि नहाए खाए से इसकी शुरुआत जो थी व्रत की हुई थी। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश जी को फूल माला से स्वागत करेंगे। कि नेता गण जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कार्यक्रम को करने के लिए। तस्वीरें हम आपको रोहतक की जेल नहर से दिखा रहे हैं। डॉक्टर रॉय मौर्य जी, डॉक्टर गौतम, हजारों की संख्या में जो भीड़ है आप देख सकते हैं। परिवार जो है, महिलाएं अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंची हुई हैं पूजा अर्चना आराधना करने के लिए। आप देख सकते हैं पानी के बीचों बीच महिलाएं जो उतर कर अपनी पूजा अर्चना करें। एक बार जोर से फिर से जयकारा लगाइए छठी मैया के, ताकि आपका नेक कमाई में बरकत हो और छठी मैया आपको अगला साल इसी तरीका से पूरा तन मन धन से सहयोग करे। छठी मैया आपका आशीर्वाद आ गए। बोलो छठी मैया की, बोलो पूर्वांचल दशहरा समिति की। धन्यवाद जी। और दान करते रहे, दान में कोई कंजूसी नहीं, अगर छठी मैया बरकत नहीं देते हैं। आप जो फल फ्रूट ला रहे बड़ा मेहनती, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो भीड़ है। आप देख सकते हैं कि बच्चे परिवार के साथ, महिलाएं अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची हैं। हर एक साथी की जिम्मेदारी है, वो आप ही के। हालांकि आपको बता दें कि काफी हद तक जो महिलाएं हैं वो अपनी पूजा अर्चना समाप्त करके सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। और कल सुबह वापिस से वो अपना सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए यहाँ पर अपने व्रत की समापन करेंगे। रामलीला कमेटी गांधी कैंप के प्रधान श्री सुभाष जी तायल यहाँ पर उपस्थित हैं। इस पवित्र कार्य में ये भी अपना उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो मैं तायल जी से निवेदन करता हूँ कृपया आगे आए, कृपया आ जाए। हमारा परम कर्तव्य बनता है ये अतिथि का स्वागत करें। महिलाएं जो है अब सूर्य को अर्घ्य दे चुकी हैं और साथ ही अपना घरों को जाना भी शुरू कर दिया। अभी देख सकते हैं आप, अभी भी जो कह सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर दूर से पहुंची हुई हैं। घाट को बड़ा ही सुंदर जो है सजा रखे। आप देख सकते हैं जो व्रत जिन्होंने रखा है, उन्होंने अपनी अपनी जो वेदी है तैयार करके उसकी पूजा अर्चना ये लोग कर चुके हैं। पानी के बीचों बीच अर्घ्य देते हुए अपने अपने घरों को जो है जाना। हमारे बीच में अभी की सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक के जीएल नहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं छठ की। स्वागत अभिनंदन है मानवा जी।
अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री राजेश जैन जी से निवेदन करता हूं कि आप आकर के दो शब्द रखें। हमारा ये जो छठ पूजा है, जो हमारा ये जो संस्कृति है, आप इसके शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपसे निवेदन है। लोक आस्था का महापर्व छठ, आपको बता दे दीपावली के जो छठे दिन कार्तिक माह में त्योहार मैं राम इकबाल राय, भूतपूर्व प्रधान पूर्वांचल एकता सेवा समिति का हूँ, और आज हमारे डूबते हुए सूर्य की पूजा करके पट की समापन होगा, और कल सुबह उगते हुए सूर्य की अर्घ देने के बाद समापन होगा। और आज आए हुए सभी शासन प्रशासन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, सभी भर्तियों को धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरे विश्व में ये राष्ट्रीय पर्व हो गया है, बिहार से शुरू होकर के पूरा विश्व में मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी यहाँ तो ये छठ घाट बना 2019 में, हम प्रधान थे तब, हमारे प्रधान ये बना है, हम सरकार से डिमांड किए थे, सरकार ने सुनी हमारी बात, खट्टर सरकार ने हमको दिए, 6 करोड़ का है, करीब 2000 फीट का है बना हुआ। लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं करीब 50,000, लगभग 50,000, लगभग 50,000। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रणधीर राय, मैं पूर्व महासचिव पूर्वांचल एकता सेवा समिति। सबसे पहले मैं आप सभी का जो यहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए आए हुए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि आज से पहले कुछ साल पहले हमारी जो पूजा थी हम करते थे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो लोगों ने हमारे को जो सहयोग दिया, आप लोगों ने शासन पर शासन तक जो बातें पहुंचाई, उसके कारण ये सुविधाएं देख रहे हैं, ये छठ घाट देख रहे हैं, इतनी बड़ी छठ घाट की सौगात मिली, ये आपकी ताकत है, आपके कारण ही, आप मीडिया के कारण ही हमने ये सफल हुए। जब हम 2015 में यहाँ परमिशन के लिए गए थे थाना के अंदर, तो हमें ये कह के भगा दिया गया था कि आप बिहार के हैं, बिहारी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमने प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सभी के माध्यम से विज्ञापन व्यक्त किया, और उस समय बिहार में चुनाव था, और उस चुनाव के कारण इस बात को इतना फैलाया गया, उसी समय रातों रात इन्होंने हमें मेल करके चंडीगढ़ से यहाँ बुलाया, और उसके बाद फिर से परमिशन ली, और हम चाहते थे कि बकायदा परमिशन लेके ही काम करें। उसके बाद तो फिर आप लोगों का साथ मिला और कारवा बढ़ता गया, और आज आप हर साल आते हैं और इस तरह से देखते हैं कि हम कितने की तादाद में, हमने जब 2001 में इसकी शुरुआत करी थी उस समय कुछ नहीं था, नाला था, गंदे कीचड़ में, मैं शुरू से ही इस कार्य को करता आया हूँ। उस समय कोई समिति नहीं बनी थी, समिति 2015 में बनी, उसके बाद विधिवत रूप से पूजा होने लगा, और मैं पुनः सभी भर्तियों का या सभी आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। जो पूजा कर रहे हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि दुनिया का सबसे ये पर्व है देखा कि जो इको फ्रेंडली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंची थी, सूर्य को अर्घ देकर अपनी पूजा अर्चना को समाप्त करके यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि लगभग 50,000 के जो आसपास लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं अपने अपने परिवारों के साथ पूजा अर्चना के लिए। काफी समय से जो है पुरानी मान्यता है, आपको बता दें कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासियत जो इस महापर्व की बताई जाती है कि उगते डूबते सूरज को जो जल दिया जाता है उससे इसकी शुरुआत होती है, साथ ही सुबह सुबह उगते सूर्य को इसको जल अर्पण करते हुए पूजा करते हुए छठी मैया की पूजा करते हुए इस व्रत की समापन होती है। अभी की सीधी तस्वीरें आप रोहतक की जीर नहर से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देखोगे हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो महिलाएं हैं
अपने बच्चों के स्वास्थ्य लंबी उम्र की साथी पति की लंबी उम्र के लिए स्वास्थ्य कामने के लिए इस व्रत को रखती है। 36 घंटे तक निर्जल रहकर कई घंटों तक कठिन तप कर पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर आधा आधा आप देख सकते हैं कि कमर तक जो महिलाएं हैं वो पानी में खड़ी हुई थी, ठंडे पानी में निर्जल रहकर पूजा कर रहा अपने आप को बहुत ही कठिन व्रत बनाता है, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको रोहतक के जेल नहर से दिखाई। इसी के साथ मैं बाल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। छठी मैया की और सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। डिजिटल भूमि टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको सुबह की लाइव तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं बाल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य छठी मैया का जयकारा लगाते हुए खबर को लाइक और शेयर अवश्य करते चले। धन्यवाद।